सबको क्लियरली विजिबल है ना, व्हाइट स्क्रीन सबको दिख रही है। देखो अपने पास कुछ क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच एलिमेंट, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपने, विच एलिमेंट हैज ए, ऐसा लिखा कि टू सेल, विच एलिमेंट हैज टू सेल, बॉथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड। एक स्टेटमेंट उसने दी, कहता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें मतलब दो एलिमेंट है, मतलब सॉरी दो सेल हैं और दोनों की दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। आपको एलिमेंट बताना है ऐसा। बी इसका पार्ट क्वेश्चन में पूछता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको डायरेक्ट एलिमेंट का नाम बताना है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है अभी 282, आपको एलिमेंट का नाम बताना है। सी पार्ट आपको दे रखा है कि एक कहता है कि एक टोटल, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, टोटल ऑफ थ्री सेल, टोटल ही तीन सेल हैं विद थ्री इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन और टोटल तीन सेल है, और तीन सेल में से भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल है उसमें सिर्फ आपके तीन इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है ए टोटल ऑफ टू सेल, आपके पास टोटल टू सेल है और टू सेल में से विद थ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। ट्राई करो भी हर एक क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, देखो क्या आएगा, आंसर निकालो। आपको एलिमेंट का नाम बताना है, एलिमेंट पे जिससे क्वेश्चन है, देखो क्या आएगा, बोलो जल्दी। मतलब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो मैं आपको करा रहा हूँ, कहता है कि दो सेल हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास दो सेल है और दोनों की दोनों सेल कंप्लीटली फिल्ड। जैसे आप देखो आपने एलिमेंट्स पढ़े थे नॉबल गैसेस के, जैसे हीलियम, जैसे आपने पढ़ा नियॉन, जैसे आप पढ़ते थे आर्गन, जैसे आपने पढ़ा क्रिप्टॉन, जैसे हम लोग पढ़ते थे ज़ीनॉन, ऐसे आपने कुछ एलिमेंट्स को स्टडी किया। तो यहाँ पे हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 2, 2, 2, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2s। अब देखो दो सेल है, सेल फर्स्ट और सेल सेकंड, यहाँ पे सेल कितनी है 2, 8, 8 सेल हो गई सर, 3 आगे कितनी हो जाएंगी 4। उसने कहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें कितनी सेल हो, दो तो सेल हो, सर दो सेल हैं और दोनों की दोनों कंप्लीटली फिल्ड, मतलब एक सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड में कितने आते हैं 1, वो दोनों की दोनों फिल्ड है कंप्लीटली। तो इस एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, नियॉन आपका ऐसा एलिमेंट है जिसके पास दो सेल है और दोनों की दोनों सेल आपकी कहती है कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर है भी, समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन देखना है? यस सर। आप देखो इसका बी पार्ट, देखो बी पार्ट कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है 282, तो टोटल कितना हुआ 10 और तो 12, तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम सर। तो यहाँ पे क्या आएगा Mg, ये आपका एलिमेंट है। सी पे आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन पे आओ, देखो वो कहता है कि अपने पास है टोटल 3 सेल, आपके पास टोटल कितनी सेल है 3 सेल और भी 3 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस है, 3 सेल है, कितनी सेल है भाई 3, और 3 सेल में से भी कहता है 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, ऐसा एलिमेंट आपको बताना है, सोचो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, 3 सेल मतलब एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम हो सकता है, वेरी गुड भाई, क्या क्या सकता है एल्यूमिनियम, देखो न्यूक्लियस होते हैं और मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के बाहर ऐसे नंबर ऑफ सेल्स होती है, इसमें हम लोग एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, ये आपकी सेल है, फर्स्ट सेल, सर सेकंड सेल और थर्ड सेल, ऐसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स होती है, आपको इनफाइनाइट हम लोग काउंट करते हैं, और फर्स्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन भरते हो 2, फिर 8, फिर 8 ऐसे आ जाता है। अब वो कहता है कि देखो ये जो आपकी आउटर मोस्ट सेल है, ये कैसी है भी आपकी आउटर मोस्ट सेल, और इस आउटर मोस्ट सेल में कहता है 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपके पास 3 सेल और 3 इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ लो 2, 8, 10 और 3, 13, तो एलिमेंट कौन सा आ गया आपका, एल्यूमिनियम, समझ आ रहा है? आप देखो उसके बाद डी, डी क्या कहता है कि टोटल ऑफ टू सेल, जैसे कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर ऐसे दो सेल हैं
विद थ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? थ्री। तो मैंने लिखा जो आउटर मोस्ट सेल है उसी को मैं वैलेंस शेल बोल रहा हूँ। ये आपकी कौन सी सेल है? वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट सेल है उसको क्या नाम दे रहा हूँ? वैलेंस शेल। अब वो कहता है कि वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, मैंने तीन इलेक्ट्रॉन रखे यहाँ पे, तीन इलेक्ट्रॉन आपने रखे। तो पहले सेल में कितने आएंगे? दो। तो दो और तीन पांच, तो आपके पास पांच आ रहा है। तो पांच किसका आएगा? बोरो। ऐसे आपको देखना है। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे दो तीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन आपने पास एनसीईआरटी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है, देखो क्वेश्चन में कहा, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है कि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर उसने दे रखा है 20 is surrounded by element with atomic number elements with atomic number 12, 19, 21, 38 के बाद पूछता है which of these have physical and chemical property similar. With calcium. Question समझ आया भाई? Yes sir. आपके कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास एक एलिमेंट है कैल्शियम, तो कहता है कि एटॉमिक नंबर जिसका 20 दे रखा है, और आपको कुछ अदर एलिमेंट दे रखे जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास है 12, एटॉमिक नंबर दे रखा है 19, एटॉमिक नंबर दे रखा है 21 और एटॉमिक नंबर दे रखा है 38। कहता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैल्शियम के साथ मिक्स करती है। मैंने कहा था कि कौन सा एलिमेंट, क्या 38 कौन सा एलिमेंट होता है सर? 38 एलिमेंट भाई पता नहीं, देखना पड़ेगा भाई 38 एलिमेंट कौन सा होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, एलिमेंट क्यों देख रहे हो ऐसे? ऐसे आप कैसे बता पाओ 38 एलिमेंट है भाई? आपका स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्डियम है भाई, स्ट्रॉन्शियम पीरियड मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम है सर इसका, मैग्नीशियम और ये आपने ऐसा कहा था कि सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट लाए करते हैं, जो भी ग्रुप में एलिमेंट लाए करते हैं, उन ग्रुप वाले एलिमेंट की फिजिकल, मैं से कहता हूँ सर फिजिकल एंड केमिकल, आप ऐसे कह रहे हो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती थी? सिमिलर होती थी। इसको आप कहते थे पीरियोडिसिटी, याद है कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना, और वहां पे आप कहते थे सर इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम। तो जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इस कैल्शियम के एटॉमिक नंबर जो है कैल्शियम के वैलेंस सेल है उसके बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो सेम ग्रुप में लाइक करेगा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, लिखो भी क्या आएगा सर? 282 आपके पास आया कैल्शियम, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अब मैं एटॉमिक नंबर मतलब 12 इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो क्या आएगा 282 12 हो गया, तो आउटर मोस्ट में 2, इसका मतलब ये दोनों सेम ग्रुप में लाइन कर रहे हैं, इसमें लाइन कर रहा है अभी सेम ग्रुप। फिर उसके बाद आप 19 के लिए लिखो सर, जेड 19 है, क्या लिखूंगा 2881 ऐसे तो आया ना, ऐसे आ गया, कितना हो गया 10, 18 देखो ने, सही है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 21 क्या हो जाएगा बोलो? 2883 कितने हो गए? 21 क्लियर है ना?
ऐसे मैं 38 का भरूंगा, 38 का भरो, 2 8 8 8 8 कितना हो गया? और 2 सर, और 2, 2 और सर, तो ये ना आउटर मोस्ट में देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो अपने पास एलिमेंट आया z = 12, z = 38, ये आपके क्या शो करेंगे? सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, आपको ऐसा लिखना है, तो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ आ रहा है ऐसा क्यों? यस सर, ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद स्क्रीनशॉट की क्विज का। देखो आपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे करके, ये क्वेश्चन है एन एलिमेंट आपके पास से कहता है, एन एलिमेंट आपके पास एलिमेंट है एक्स, कहता है एन एलिमेंट एक्स has mass number 35 and number of neutrons 18, write atomic number 17, atomic number and electronic configuration of x, also write as a question, write group number, also write group number, period number and valency of x, ये क्वेश्चन है। ट्राई करो, मैं आपको एक दो मिनट दे रहा हूँ जल्दी। सर एक बार रिपीट करना। कहता है कि आपके पास एक एलिमेंट है x, जिसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है, या मतलब मास नंबर आपको दे रखा है 35, और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 80। कहता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा इस एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, वैलेंसी क्या होगी, सब आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 सर। वेरी गुड, आगे वैलेंसी -1 सर। वैलेंसी को आप माइनस प्लस मत बोला करो, 1 और 2 बोला करो, कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी होती है, नेगेटिव में डी नहीं करते, मतलब हम लोग बोलते हैं। आगे कर रहे हैं सर, एक मिनट करो, करो जल्दी करो, भी टाइम नहीं है। और पीरियड थर्ड, पीरियड क्या आएगा? थर्ड, थर्ड, वेरी गुड। कैसे पता चला थर्ड पीरियड? ये आपने लिखवाए थे सर ग्रुप, फिर कल बार आई एन टी। मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा, हो गया अभी सबसे, मैं ट्राई करो। यस सर, मैं ट्राई करता हूँ। कहता है कि एक एलिमेंट है, जैसे आप कभी भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, मैंने लिखा है, तो आप ऐसे लिखते थे नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ये आपका होता था यहाँ पे एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, और एटॉमिक मास बराबर होता था सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, और जेड आपका होता था सर एटॉमिक नंबर, जेड किसके बराबर होता था सर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बराबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल, ऐसा ही कुछ है। अब देखो मेरे पास मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, तो एटॉमिक नंबर आ गया ना,
अब मैं कहता हूँ ए इक्वल टू आया पी प्लस एन और मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने, तो कैसे करूंगा, ए माइनस एन, एटॉमिक मास कितना दे रखा था 35, तो मैंने लिखा यहाँ पे 35 माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दे रखे सर 18, मैंने किया माइनस 18, तो अपने पास वैल्यू आई 17। तो इस एटम के पास 17 प्रोटोन है, इसका मतलब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आया 17 और एटॉमिक मास आया 35 और ये एलिमेंट आपका क्या है, क्लोरीन। समझ आया भाई, एलिमेंट कौन सा आपका क्लोरीन। उसके बाद एटॉमिक नंबर पता चल गया जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगी, तो आप 17 बढ़ने 287 से 10 और 7 17, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, अरे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इक्वल टू 1, क्या होगी भी 1 प्लस माइनस, अब वैलेंसी को हम लोग 1 बोलेंगे, माइनस प्लस नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई, वैलेंसी कितनी आई यहाँ पे 1, कोई प्रॉब्लम, कंबाइनिंग कैपेसिटी, नो सर। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, देखो सिंपल केस लेता हूँ, यहाँ पे आप डील करो जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल्स हैं, ऐसे बढ़ाना, अब सेल कितनी आ रही है 1 2 3, कितनी आपकी सेल आ गए, जैसे मैंने लिखा कि 287 तीन सेल आ रही है, तो इसका मतलब थर्ड पीरियड में एलिमेंट लाई करेगा सर, जितनी नंबर ऑफ सेल्स उतना पीरियड नंबर, जितनी नंबर ऑफ सेल उतना क्या आएगा पीरियड नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा जो पीरियड नंबर है यहाँ पे इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, समझ आ रहा है, पीरियड नंबर किसके पास है नंबर ऑफ सेल, और सेल कितनी है 1 2 3 3 सेल है, तो पीरियड नंबर कितना आया सर 3, इसका मतलब क्लोरीन थर्ड पीरियड में लाई जाए, सही है, कोई प्रॉब्लम, नो सर। आप देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको ग्रुप नंबर के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कैसे निकालते हैं, डन, यस सर। आप देखो ग्रुप नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 आ रही थी, अब मुझे मान लो ग्रुप नंबर निकालना है, क्या निकालना है ग्रुप नंबर, तो पीरियड नंबर तो आपको सीधा पता चल गया सर, यहाँ से पीरियड नंबर तो आपने आपको पता चल गया किसके बराबर होता है नंबर ऑफ सेल के बारे में, जितनी सेल होगी उसका पीरियड नंबर उतना होगा, जैसे 1 2 3 3 सेल थी तो थर्ड पीरियड में लाई करता है, ऐसा आपने बोल दिया। अब ग्रुप आपको पता करना है, देखो ग्रुप नंबर मुझे पता करना है, यदि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, मैं से लिखता हूँ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, मैंने लिखा व्हेन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, जो कि आपका एलिमेंट होते हैं, तो जितने आपके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स है वही उसका ग्रुप नंबर, तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन मान लो 1 है तो ग्रुप नंबर 1 आएगा, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या आएगा ग्रुप नंबर 3 आएगा, फिर 2 आएगा 2 नॉट 3, क्लियर है ना। अब ऐसे ही मैं आपको कहता हूं कि मान लो आपके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन यदि मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ भी, या आपने एस ब्लॉक की बात की थी यहाँ पे, ये मान लो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, 6 7 8 ऐसे आ जाते हैं, तो आप इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स में प्लस 10 कर देना और जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका ग्रुप नंबर है। मैंने कहा कि जो भी आपके पास ही सेल्स आ रही है इसमें प्लस 10 कर दूं और जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपका ग्रुप नंबर आएगा। जैसे सर मुझे ग्रुप नंबर जैसे 287 इसके लिए ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है, तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्लस 10 कर दूं तो ये आपका आएगा 17 ग्रुप, कौन से ग्रुप में लाई करता है अभी 17, तो ग्रुप नंबर क्या है आपका 17, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, यस सर। दोबारा नहीं आया, देखो मैं कहता हूँ कि मान लो आपके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, तो उनके केस में आप प्लस 10 जोड़ दो और 10 ऐड करके जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका ग्रुप नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लो बोरोन का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे मुझे ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है, पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकाल, तो पहले बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है फिर कितना, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रही 2 3,
सर दो ही सेल है तो पीरियड नंबर आएगा टू, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मैं कहता हूँ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में तीन इलेक्ट्रॉन है, एक और दो होते तो मैं सीधा कह देता हूँ वही आपका ग्रुप नंबर है, तो तीन है तो तीन में आप दस जोड़ दो तो इसका मतलब ये 13 ग्रुप में लाइक करेगा। समझ आया भी दिपांशु? यस सर। अब देखो मैं कहता हूँ, अब आपके पास एल्यूमिनियम है, मान लो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और मैं आपसे पूछूं इसका ग्रुप नंबर बताओ भाई और इसका पीरियड नंबर बताओ, चलो बताओ जल्दी जल्दी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर जल्दी बताओ, जल्दी देखो क्या आएगा। हाँ ग्रुप नंबर 13 सर। ग्रुप नंबर क्या? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी जल्दी बोलो। 283। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन तीन आ रहे हैं ना, तीन में क्या जोड़ दूं 10, तो 3 प्लस 10 इक्वल टू कितना आया 13, तो इसका मतलब ग्रुप नंबर आएगा सर 13। पीरियड नंबर कितनी सेल है टोटल, 1 2 और 1 3 तीन सेल है, तो पीरियड नंबर क्या आएगा आपका 3। सिंपल है। अच्छा सल्फर आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर जल्दी बोलो भी। सल्फर 16, व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर? ग्रुप नंबर 18 सर, पीरियड 3 सर। 18 कैसे आ गया? दो ग्रुप नंबर 16 सर। 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना आया 16, तो ग्रुप नंबर कौन सा आ रहा है 16। 16 और पीरियड 3 सर। 2 3 पीरियड नंबर कौन सा है? 3rd। 3 समझ आया कुछ? यस सर। उसके बाद मैं आपको कहूं कि आर्गन आपके पास है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ग्रुप एंड पीरियड जल्दी बोलो फास्ट, देखते हैं कितना पास आता है। ग्रुप नंबर 8 सर, ग्रुप नंबर पीरियड 3 सर, और पीरियड 3 सर। 4 है सर। पीरियड 4 कैसे आ गया? 2, 8, 8, 10, 11, 12, 18, तो तीन ही सेल तो आ रहे हैं, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। मानसी समझ आया बेटा? अरे समझ आया कैसे किया? यस सर। ओके आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज टोटल क्वेश्चन भी रह जाते हैं, देखते हैं भाई कौन कितना फास्ट करता है। कहता है एन एटॉमिक नंबर, आपके पास एक एटॉमिक नंबर दे रखा है, सॉरी एटम नॉट एटॉमिक नंबर, कहता है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 287। ये कहता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर of this element? 17 sir. Very good. B कहता है आपको बताना है to which of the following element would it be chemically similar? ऐसा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है और कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 9, सॉरी क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18। एटॉमिक नंबर कितना आया अभी? 17 सर। 17 पीरियड नंबर बोलो इसका, इसी में है क्या 17 सर, ना पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर 3rd सर, पीरियड नंबर आ गया पीरियड 3rd सर, ग्रुप बोलो 17 सर। 17 वेरी गुड भाई, और उसके बाद नीचे एलिमेंट दे रखा है, कौन सा एलिमेंट है जो दी फॉलोइंग केमिकली सिमिलर, मतलब इसके ग्रुप में और कौन सा लाइक करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में साथ आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन क्या आएगा 2, 5, ये तो हो नहीं सकता है सर 5 आ रहे हैं, क्लोरीन कितना आ रहा है 2, 7,
इसका मतलब आउटर मोस्ट में सात है तो सिमिलर मिलेगा. फॉस्फोरस क्या आएगा सर? 285. ये कितना आया? 288. अब वो एलिमेंट देखो जिसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सिमिलर है और वो आपका है फॉस्फोरस, सॉरी फ्लोरिन. तो फ्लोरिन और इसकी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? सिमिलर. तो बी पार्ट आपका आ गया फ्लोरिन. सिंपल है? यस सर. यस सर. चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कौन कितना पास कर पाता है. जल्दी करोगे क्योंकि अपने पास टाइम कम है. एक क्वेश्चन है, साथ साथ लिखते रहो. कहता है कि अपने पास एक एलिमेंट है एक्स फॉर्म एक क्लोराइड, फॉर्म एक क्लोराइड विद द फॉर्मूला. आपके पास फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे HCl2. Which is a solid with a high melting point. Which is solid with a high melting point X would most likely be the same group of the periodic table. Yes. ऑप्शन दे रहा हूं भाई आपको. चलो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और डी सिलिकॉन. मैग्नीशियम सही आ रहा है. बट वाय? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है सर. और यहां पर यहां पे आप x की बात कर रहे हो सर, x के ऊपर +2 चार्ज आएगा, Cl नेगेटिव चार्ज आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तब XCl2 XCl2 फॉर्मेशन होगा. इसका मतलब वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी +2 है. सोडियम की बात करता हूं तो 11 एटॉमिक नंबर होता है तो 281 सर इसकी वैलेंसी 1 आ रही है. मैग्नीशियम की बात करता हूं तो 282 वैलेंसी 2 आ रही है. एल्यूमिनियम का 13 होता है तो क्या आएगा? 283 वैलेंसी 3 आ रही है. सिलिकॉन की बात करता हूँ तो 28 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. तो वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी +2 है तो वही एलिमेंट आपका क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा एक्स एलिमेंट. तो क्या आएगा आपका? समझ आ रहा है भाई? इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. एक्स एलिमेंट कंसिडर कर लिया जाए, वैलेंसी क्या होगी, एलिमेंट कौन सा होगा वो आप सब निकाल सकते हो, ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा. क्लियर है? यस सर. तो आज के लिए इतना ही.